BSTC डिप्लोमा में क्या TC जरूरी है? कॉलेज ने TC नहीं मांगी तो क्या प्रवेश निरस्त हो सकता है? रिपोर्टिंग के बाद एडमिशन कैंसिल हो गया, क्या 13,555 रुपये वापस होंगे या फिर डोनेशन से एडमिशन कैसे होता है? राजस्थान के अंतर्गत मध्य प्रदेश और हरियाणा की डिग्री मान्य है या नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधारा अरसोली चैनल और आज हम इस सीरीज के इस पार्ट में इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए आज इस वीडियो के साथ में अंत तक, और यदि चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो इस प्रकार की तमाम अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि साथियों इस सीरीज की जितनी भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपके लिए PTT और BSTC के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेवें। कुछ साथियों के द्वारा पूछा गया है कि क्या डिप्लोमा में TC जरूरी है? साथियों, डिप्लोमा करें या डिग्री करें, TC बहुत जरूरी होती है, लेकिन कुछ कॉलेजेस क्या होता है कि माइग्रेशन के आधार पर ही काम चला लेते हैं और आपसे TC नहीं मांगते। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि कॉलेज ने आपसे TC नहीं मांगी और आपने TC जमा नहीं कराई तो इससे आपका प्रवेश निरस्त हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, क्योंकि बहुत से डिग्री कॉलेज भी ऐसे होते हैं जो आपसे TC नहीं मांगते। साथियों, गवर्नमेंट यदि कॉलेज है तो वहाँ आपसे 100% TC मांगी जाएगी, जबकि बहुत से निजी कॉलेजेज में आपसे TC नहीं भी मांगी जा सकती है, लेकिन डिप्लोमा हो या डिग्री हो TC ज़रूरी होती है। लेकिन यदि कॉलेज अपने स्तर पर नहीं मांगता है तो इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है, इसलिए आप TC जमा ना ही कराएं, इससे किसी भी प्रकार के आपके एडमिशन पर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि साथियों डिप्लोमा में अधिकतर क्या करते हैं कॉलेज वाले, आपके माइग्रेशन से और आपकी अंकतालिका से ही काम चला लेते हैं। वैसे नियम के बतौर यदि हम देखें तो TC डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी करें इसके लिए ज़रूरी होती है। बहुत से साथियों के द्वारा पूछा गया कि यदि हम TC कॉलेज में जमा नहीं कराते हैं तो क्या प्रवेश निरस्त किया जाएगा, क्योंकि अब निदेशालय स्तर पर समन्वयक BSTC के द्वारा जो डॉक्यूमेंट हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कॉलेज स्तर से डाइट और डाइट से सीधा समन्वयक स्तर पर मेल जा चुकी है। तो अब कई परीक्षार्थियों को ये चिंता सताने लगी है कि जिन कॉलेजेज ने उनसे TC नहीं मांगी क्या इस आधार पर भी उनके प्रवेश को निरस्त कर दिया जाएगा। साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है, TC के आधार पर आपका प्रवेश निरस्त नहीं होगा। वहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट की कमियाँ पाई जा रही हैं उनमें ज़्यादातर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट में कमी बताई जा रही है, और जो जांच चल रही है और जो शिकायतें गई हैं वो MBC EWS आरक्षण से रिलेटेड जो कैटेगरी सर्टिफिकेट था उनके संबंध में ही जांच चल रही है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहें TC के रिलेटेड किसी के भी प्रवेश को निरस्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्टिंग के बाद में एडमिशन कैंसिल हो गया तो फिर क्या 13,555 रुपये की जो राशि है यह वापस लौटाई जाएगी, यह क्वेश्चन भी काफ़ी स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया है। साथियों, चाहे PTT है या BSTC, यदि रिपोर्टिंग आपने करा दी तो और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो इसके बाद में आपको 13,555 रुपये की राशि वापस नहीं लौटाई जाएगी, लेकिन यदि रिपोर्टिंग करा दी एडमिशन भी कैंसिल हो गया तो ऐसी स्थिति में आपको 13,555 रुपये की जो राशि है वो वापस लौटाई जाएगी, क्योंकि साथियों 13,555 रुपये की जो राशि है इसी शर्त पर नहीं लौटाई जाती है कि एडमिशन कन्फर्म हो जाने के बाद में यूनिवर्सिटी इस पैसे को कॉलेज में ट्यूशन फी के रूप में आपके ट्रांसफ़र कर देती है, तो इसके बाद में ये पैसे वापस नहीं होते। लेकिन रिपोर्टिंग के बाद भी यदि आपका एडमिशन कैंसिल हो चुका है तो ऐसी स्थिति में जो 13,555 रुपए की राशि है वो आपको वापस लौटाई जाएगी। कुछ साथियों के द्वारा पूछा गया कि ये डोनेशन एडमिशन क्या होता है। साथियों, पहले राजस्थान में भी डोनेशन एडमिशन चलते थे, इसमें क्या होता है कि जैसे 100 सीटें किसी कॉलेज में है तो 90 सीटें काउंसलिंग के थ्रू या डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू सरकार भेजती थी एडमिशन, लेकिन पिछले कुछ सत्र से डोनेशन सीट्स जो है वो राजस्थान में बंद कर रखी है। अब 100% जो एडमिशन होता है कॉलेजों में, चाहे वो BSTC या PTT, वो सीधा ही काउंसलिंग के थ्रू या यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट एजेंसी होती है उसके थ्रू किया जाता है। तो पहले क्या 10% या 5% सीटें डोनेशन पर होती थी जिनमें एडमिशन कॉलेज अपने स्तर पर करता था, जिससे कॉलेज को अच्छा खासा पैसा भी वसूल हो जाता था।
मान के चलिए आपके यदि अब 13,555 रुपये की फ़ीस पे आपका एडमिशन हो रहा है, तो डोनेशन पर ये एडमिशन आपका 30,000 से लेकर के और 50,000 60,000 में भी भर लिया जाता था। तो ये होती थी डोनेशन सीट, जो फ़िलहाल राजस्थान में बंद है, लेकिन हरियाणा, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर आदि स्टेटों में अभी भी डोनेशन सीटें हैं, जहाँ डोनेशन के आधार पर आपको बीएड या बीएसटीसी कराया जाता है। वहाँ पर इसके नाम पर आपसे 50,000 से लेकर के 1,00,000 या 1.5 लाख रुपए तक भी वसूल कर लिया जाता है। कुछ साथियों के द्वारा पूछा गया है कि क्या मध्य प्रदेश या हरियाणा से की गई जो बीएड है या बीएसटीसी वो मान्य है क्या राजस्थान में। साथियों, बीएड या बीएसटीसी आप चाहे पूरे इंडिया से या फॉरेन से कहीं भी करें, मान्य होती है। लेकिन बतौर इंडिया की बात करें तो इंडिया से यदि आप कहीं से भी बीएसटीसी बीएड करते हैं तो इसमें एक ही शर्त है कि वहाँ एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए। ध्यान देना, बीएसटीसी और बीएड में दो मान्यताएँ होना जरूरी है, एक तो यूजीसी की मान्यता और इसमें अगली जो मान्यता होती है वो होती है एनसीटीई की। तो यूजीसी और एनसीटीई दोनों से ही एफिलेटेड होना चाहिए कॉलेज, तो ही ये डिग्री आपकी मान्य होगी। इसमें भले ही चाहे आप कोई से भी स्टेट से डिग्री करके आएँ, लेकिन मध्य प्रदेश से की गई बहुत सी डिग्रियां इसलिए फर्जी पाई जाती है क्योंकि बिहार और मध्य प्रदेश की डिग्रियों के जो कॉलेज हैं वो एनसीटीई से एफिलेटेड नहीं होते हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर से बीएड करने पर केवल यूजीसी मान्यता की आवश्यकता होती है, वहाँ से बीएड या बीएसटीसी करने पर एनसीटीई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एनसीटीई जेएंडके में नहीं जाती है धारा 370 के कारण। चूँकि अब धारा 370 हट चुकी है तो नेक्स्ट सेशन से हो सकता है कि वहाँ भी प्रत्येक कॉलेजेज में एनसीटीई का नियम लागू कर दिया जाए। तो एनसीटीई एफिलेटेड डिग्री कॉलेज होना जरूरी है, बस मान्यता का आधार यूजीसी और एनसीटीई ही है। तो साथियों, बस आपको केवल ये जांच करनी है कि ये कॉलेज एनसीटीई और यूजीसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो साथियों, आज की सीरीज में हमारा जो मुख्य उद्देश्य था आपके इन महत्वपूर्ण कुछ सवालों का जवाब देना था। इस सीरीज की जो अगली आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें हम कुछ आपके इंपॉर्टेंट कमेंट्स और हैं जिनको शामिल करने वाले हैं, तो आप लगातार अपने कमेंट का आंसर देखने के लिए जुड़े रहिए इस ज्ञानधर हरसोली चैनल के साथ में। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस प्रकार की एक भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले।